हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। सौम्या भी एकदम ठीक है। और अभी फ्रेंड्स हमारी गुड़िया बना रही है यहाँ पर बेल्ट। मैंने जो कल साड़ी बनाई थी ना दीदी, तो अपन बेल्ट बनाना तो भूल ही गए थे। हाँ यार, सही तो बोल रही। मैं तो मुझे तो याद ही नहीं था बेल्ट का बिल्कुल भी। हाँ, तो अभी मैंने बेल्ट बनाया। फिर तुम वो साड़ी कब वेयर करोगी गुड़िया? बस अभी थोड़ी देर बाद करने ही वाली हूँ दीदी। खाना वाना खाने के बाद कर लेना यार, है ना? खाना वाना खाने के बाद फिर करेंगे। हाँ, तब अपन फ्री हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा, अपन को शूट करने में लेट भी हो जाएगा तो कोई वो नहीं रहेगा। फिर बहुत टाइम लग जाता है ना शूट करने में। पापा आइसक्रीम ले आए। मम्मी अपने घर में तो आइसक्रीम पहले से ही रखी है ना? ये दूसरी वाली है, लाओ सबको बांटे आते हैं। देखो चलो, सबसे पहले तो मम्मी को ही दे देते हैं। गुड़िया तुम रेडी हो गई? हाँ दीदी, बस मैं आपको बुलाने के लिए सौम्या को बस भेज ही रही थी। हाँ, और आप आई गई? हाँ, तो क्योंकि पापा आइसक्रीम लाए सबके लिए। अच्छा, तो कृति सेनन का लुक कौन कौन देखना चाहता है? गुड़िया हम सभी देखना चाहते हैं। सौम्या आप भी देखना चाहती हो? लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, मैं स्टूडियो में दिखाऊंगी। चलो, तो पहले आइसक्रीम खाओगी या पहले स्टूडियो जाओगी? स्टूडियो में चलते हैं दीदी, वहीं पे खाएंगे आइसक्रीम और वहीं पे मैं सबको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ठीक है। हाँ, चलो। यहाँ पर सौम्या बैठ के इंतजार कर रही है, जो कि ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा थक गई हो और उसको नहीं थकी मैं। और उसको नींद आने लगी हो। नहीं आ रही। ये क्या दिख रही उड़िया तुम? इसमें देख रही हूँ दीदी कि ये कैमरा सही है या नहीं। सौम्या दीदी से पूछो सही, अपन को फाइनल लुक कब दिखाएंगी? दीदी अपन को आप हमको दीदी आप हमको फाइनल लुक कब दिखाओगी? जब आप देखना चाहो। तो अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, मेरा नहीं कृति सेनन का। वन वन टू थ्री टन टन। तो आज मैं बनी हूँ कृति सेनन। कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा की तरह ही अच्छी लग रही हो। कृति सेनन जैसी लग रही हूँ कि नहीं? देखो मैं बता भी देती हूँ, कृति सेनन की आज मैंने ना ये वाली साड़ी बनाई है। अब बताओ सेम टू सेम लग रही है कि नहीं? वैसे मेरे हिसाब से तो सेम टू सेम ही लग रही है। पूरे सेम टू सेम तो बनाई है यार। तुम भी क्या बोल रहे हो, तुमको पता तो है वो अलग ही लग रही है। बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल सेम मैचिंग मिल गया था, इसलिए सेम टू सेम बन गई। कभी कभी क्या होता है ना, फैब्रिक सेम नहीं मिल पाता है तो फिर ड्रेस भी सेम नहीं बनती है, और बाकी अगर फैब्रिक मिल जाता है तो ड्रेस तो सेम बननी है फिर। तो फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा है और बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसा है, और ये साड़ी का लुक कुछ ऐसा है। देखो दीदी मस्त लग रही है ना, मुझे ना अच्छी लग रही है। सभी जगह सुंदर लग रही है और बिल्कुल सिंपल सोवर सी ना, बड़ी कहीं भी वेयर करके चले जाओ। हाँ, सिंपल सोवर सी बहुत अच्छी लग रही है और इसकी स्लीव्स तो मुझे सबसे अच्छी लग रही है दीदी। हाँ गुड़िया, मुझे भी ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? हाँ, एकदम मस्त सोवर टाइप की। हाँ पता है, ये फ्रेंड्स गुड़िया दो या तीन दिन से इसको बनाने लगी। हाँ। मतलब कंटिन्यू नहीं बना रही, थोड़ी थोड़ी देर बनाती है, तो मैं जब से यही सोच रही थी ये कब बन जाए, जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से आप लोगों को दिखा दूं। हाँ। मैं कैसी लग रही है वेयर करने के बाद? अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है ना। सिंपल कैसी लगी आप लोग बताना कमेंट करके। बस मैं अभी यहीं खड़ी हुई है। क्या दो नेल पॉलिश दिखा रही है? वो बता रही है कि दो दिन हो गए। अच्छा, मैंने सोचा नेल पॉलिश दिखा रही है। दो दिन हो गए इसको बनाते हुए, ये बोल रही है। फ्रेंड्स हो चुका है नेक्स्ट डे, और ये पता नहीं क्या फैला रहा करके बैठी है, पूरा कमरा भर रखा है गुड़िया। दीदी ये मेरे कपड़े हैं। इतने कपड़े? हाँ भैया, ये तुमने क्या कर रखा है, पूरा कमरा भर गया? ये कपड़े ना पूरे कचरे जैसे भरे हुए थे दीदी मेरी अलमारी में, तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो मैं जमा लेती हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा सोच लिया गुड़िया तुमने, क्योंकि वैसे भी ना वो इकट्ठे भरे रहते तो मिलते भी नहीं है। मिलते नहीं है और पूरे ना खराब हो जाते हैं दीदी, फिर बिना प्रेस के तो पहन ही नहीं सकते। हाँ फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और कल हमने थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट किया था, फिर उसके बाद हमने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कल हमारा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि कल हमारे नाना जी शांत हो गए थे, तो मम्मी और ध्रुव, पीयूष, पापा और सौम्या सभी लोग नानी के यहाँ चले गए हैं, तो फिर हम लोगों का मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का, तो फिर हम लोगों ने ब्लॉग भी शूट नहीं किया और हमने कुछ किया ही नहीं था। फिर अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा भी हमारी हो गई है, और अब हम सोच रहे हैं मम्मी तो है नहीं है, तो फिर कुछ खाना वाना भी बना लेते हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि खाना नहीं बनाएंगे। तो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से पहले हम लोग खाना बनाते हैं। तो संध्या ने ना सब्जी काट के दे दी है, अभी मिर्ची वगैरह काट रही है, बाकी सारा सामान भी इसने काट के दे दिया है, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर रोटियां बना लेंगे, और प्रीति और गुड़िया मिलकर क्लास की तैयारी कर लेती है जब तक। दीदी मैंने देखो ये सब्जी काट दी है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर, मिर्ची और यहाँ पर गोभी भी कटिंग करके रख दी है इसने, अब बस मुझे बनाना और है, तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ।
यहाँ मेरी सब्जी बनने ही वाली है बस, और आटा भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं आटा गूंथ लूँ और फटाफट से रोटी और बना लूँ, तो यहाँ का किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाकर फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और फिर क्लास का टाइम हो गया, तो प्रीति ने क्लास ली और हम लोग सब वहीं पर रहे। तो अभी क्लास एंड हुई जैसे ही, तो फिर मुझे याद आया यार मैं इनकी छत पे से कपड़े ही नहीं लेके आए, पूरे दोपहर भर जलते रहे आज तो कपड़े। मम्मी होती हैं तो याद दिला देती हैं। अब घर में भी कोई नहीं था और बताएं ध्रुव और पीयूष भी नहीं थे, हम लोग भी वहीं पर ही लगे रहे। हमको बताएं अब कुछ जरूरत पड़ने लगे तो वैसे और इतने सारे लोग रहते हैं तो फिर कोई ना कोई देखता रहता है, अभी फिर वो दोनों भी नहीं है तो और फिर दिक्कत होती है। तो फिर ध्यान नहीं आया तो हम लोग कपड़े उतारने नहीं आए, तो अभी मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं। और पता है एक गड़बड़ और हो गई, ध्यान ही नहीं आता यार हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो आते नहीं ऊपर, बहुत कम आते हैं कपड़े उतारने या फिर कपड़े डालने, बस दो ही काम के लिए आते हैं। और ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, इनको ना सुबह पानी दिया और अभी भी अगर मैं कपड़े उतारने नहीं आती तो अभी भी याद नहीं आता मुझे तो, और कल शाम को भी पानी नहीं दिया था सच में, ऐसे भुलक्कड़ हम लोग। वैसे बताएं पीयूष डाल के जाता है और हमेशा मम्मी डाल के जाती हैं, और पीयूष भी नहीं है मम्मी भी नहीं है तो बेचारे पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे। तो अभी फटाफट से ये सारे पौधों में पानी दे देती हूँ, सारे पौधों में अच्छे से बहुत सारा पानी दे दिया मैंने, क्योंकि पता है मुझे सुबह मैं फिर भूल जाऊंगी और मुझे फिर कल शाम को याद आएगा, इसलिए ना मैंने तो अभी बहुत अच्छे से पानी दे दिया ताकि ना कल तक अच्छे गीले बने रहे, फिर जब कल सुबह कपड़े डालने आएंगे तो तभी पानी दे देंगे। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं बोर्ड डालने के लिए और मैंने तो बोर्ड दे भी दिया है ये, हाँ। देखिए, और अभी गुड़िया ने नहीं दिया है क्योंकि गुड़िया का अलग जगह पर डलता है और मेरा अलग जगह पर डलता है, और मेरी पर्ची तो घर ही आ जाती है, बाकी सब घर आ जाती है, बस गुड़िया ही की नहीं आती है, मेरी नहीं आती है, मुझे खुद लेने आना पड़ता है। अभी गुड़िया भी वोट डाल के आ गई है दीदी, पिछले बार जब मैंने वोट डाला था ना तो मैं अंदर मोबाइल लेके गई थी और मैंने ना वीडियो भी शूट कर ली थी, तो सब लोग मुझसे कमेंट पर बोल भी रहे थे हमारे यहाँ तो मोबाइल अंदर भी नहीं लेके जाने देते रूम में, और आपने तो वीडियो भी बना ली, और मैंने इस बार भी यही सोचा था कि मैं वीडियो शूट कर लूंगी, और जैसे ही मैं अंदर लेके गई ना मोबाइल तो उन्होंने बोल दिया या तो मोबाइल बाहर किसी को दे के आओ नहीं तो जेब में अंदर रखो, तो मैंने अंदर रख लिया और वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन मेरे पास सबूत है देखो मैं वोट डाल के आई हूँ। मैंने तो पहले ही अंदर रख लिया था, मुझे पता ही था क्योंकि जहाँ पर डालती हूँ ना वहाँ पर तो पहले ही अंदर नहीं, नहीं वहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल थे दीदी जहाँ पे आप डालने के लिए गई थी वोट, और यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे तो इतने स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं रहते, लेकिन पर फिर भी उन्होंने बोल दिया था कि आप अंदर चलो अभी घर चलते हैं, पता चल जाता ना कि मैंने किसको वोट दिया है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग बताइए कि आपने किस आपके यहाँ वोट अभी तक डले हैं कि नहीं, और अगर डले हैं तो आपने किसको वोट दिया है कमेंट करके बताना। पीयूष यहाँ पर बैठ कर हम लोगों का इंतजार कर रहा था, बेचारा पीयूष तो डाल ही नहीं पाता अभी तक इसका, क्योंकि अभी उसका वो नहीं है ना दीदी वोटर आईडी से। हाँ फ्रेंड्स सुबह से लेके रात हो चुकी है और हम लोगों ने कोई ज्यादा खास ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि अच्छा माहौल होता है तो फिर मन भी करता है अच्छी अच्छी चीजें करने का, हाँ। तो अभी ज्यादा कुछ अच्छे करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी जो जो करेंगे वो सब हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।